हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली हमारी ईबुक रेडी है टाइपिंग के लिए। आप सभी लोग इसे फॉलो कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे आपको, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पूरी गाइडेंस बुक में अवेलेबल है, ठीक है। सीपीटी का भी मॉड्यूल डाला हुआ है मैंने, प्रीवियस ईयर के सेट्स भी डाले हुए हैं और कुछ टाइपिंग के लिए कंटेंट भी डाला हुआ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका प्रिंट निकाल लेना सभी लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये मैंने बनाई है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है, ओनली फॉर यू, ठीक है। इसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगी एसएससी सीजीएल टीयर 4 के लिए। जैसे डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है आपका, वो बेसिकली टाइपिंग का मॉड्यूल ही होता है। तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 15 मिनट के अंदर आपको 2000 करेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली टाइप करने होते हैं, ठीक है। उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। स्पेस कहाँ देना, फुल स्टॉप के बाद एक सिंगल स्पेस देना है। टैब तभी दबाना है जब आपको पैराग्राफ में दे रखा हो। होता क्या है, पैसेज आया, हो सकता है पैराग्राफ में इंडेंटेशन कर रखी हो, पैराग्राफ आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर हो सकता है पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा हो। दोनों तरीके से आ सकता है। तो अगर यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब टैब दबा के स्टार्ट करना है। अगर डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है एंटर दबाने के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करें पैसेज स्मूथली आपको लिखना होता है, ऐसा नहीं करना होता कि हर लाइन के बाद आपको एंटर दबाना है, नहीं। जब पैराग्राफ खत्म होगा तभी एंटर दबाना होता है। बाकी आपको देखना होता है कि वहाँ पे पैसेज किस तरीके से दे रखा है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखे, तो वो सारे लिंक्स भी मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट एसएससी सीजीएल 2017 की टीयर 4 की कॉपी है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो हुआ था आपका। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका प्रिंट निकालने के बाद टाइप करके देख लेना कि 15 मिनट में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। 15 मिनट का टाइम वहाँ पे दिया गया था, तो आप कोशिश करना घर पे 10 से 12 मिनट के अंदर मैक्सिमम हो जाना चाहिए सीजीएल के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हमारी फिंगर्स भी कांप रही होती है, एकदम नहीं काम करता, कीबोर्ड थोड़ा अलग मिल जाता है, और भी इशू आ सकते हैं। तो 10 से 12 मिनट के अंदर कोशिश करना जो 15 मिनट का मॉड्यूल है वो खत्म करना। फिर एसएससी सीजीएल 2017 में सीपीटी भी हुआ था, तो उसमें जो पैसेज था वो थोड़ा अलग था, तो वो पैसेज भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये वाला पैसेज भी आप प्रिंट निकाल के टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 4 की मैंने कॉपी मंगाई थी आरटीआई से, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल्स में मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया था कि टीयर 4 कैसे होता है। तो इस वीडियो का लिंक भी डाल दिया मैंने और यहाँ पे बारकोड भी डाल दिया। प्रिंट निकालने के बाद डायरेक्टली आप क्या करोगे, बारकोड को स्कैन करोगे, डायरेक्टली आप उस वीडियो पे पहुंचोगे। कोई भी इशू आएगा आपका टीयर 4 से रिलेटेड, वो सारा उस वीडियो में कवर हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है। और ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल का मैंने उस एस्पिरेंट की कॉपी आपको दिखाई थी जिसके 0% एरर था, जिसका बिल्कुल परफेक्ट टाइपिंग थी। तो उस एस्पिरेंट की कॉपी का लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डायरेक्टली अगर पीडीएफ से करोगे तो लिंक पे क्लिक करते ही हो जाएगा। प्रिंट निकाल के कर रहे हो तो बारकोड स्कैन करोगे, डायरेक्टली आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए। एसएससी सीजीएल 2017 में जो टाइपिंग का मॉड्यूल आया था वो सारा इसमें डाल, टाइपिंग के मॉड्यूल के बाद जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मॉड्यूल था और एक पावर पॉइंट का मॉड्यूल था। तो सबसे पहले टाइपिंग हुई थी 15 मिनट की, उसके बाद थोड़ा गैप दिया गया था, फिर एक्सेल का मॉड्यूल आया था, ठीक है। उस 15 मिनट के अंदर ये करना था, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी, ये आपको बनाना था एक्जैक्टली, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाला हुआ है, अभी पूरा टाइप नहीं करवा पाया, फिलहाल इमेज ही डालनी पड़ी मुझे इसकी, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। आपका एग्जाम भी आने वाला है तो 5-6 दिन और खिंच जाता है इस चक्कर में, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। ये पावर पॉइंट का मॉड्यूल है, बस आपको पता चले कि किस तरह से पूछा जा रहा है। तो एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए तो कंटेंट नहीं है इसमें, लेकिन बाकी चीजों के लिए कंटेंट है, टाइपिंग के लिए कंटेंट मिल जाएगा आपको। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे देखो सीपीटी मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो उसकी जो कट ऑफ गई थी 2017 की, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, परसेंटेज एरर कितना कितना अलाउड था किस किस कैटेगरी से, तो अब वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्या कहते हैं परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो एसएससी ने अपने उस पर डाला हुआ है, ठीक है, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक्स का जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कुछ परसेंटेज एरर के बारे में एसएससी ने नहीं बता रखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस यही चीज़ बताई है। सीपीटी मॉड्यूल 2 कैसे चेक होता है, एक्सेल शीट कैसे चेक होती है, पावर पॉइंट शीट कैसे चेक होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बार वेरीफाई कर लेना आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी होता है एसएससी सीजीएल टीयर 4 में, वो यहाँ पे मेंशनड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है बारी सीएचएसएल टाइपिंग की। तो सीएचएसएल टाइपिंग 2017 में ये पैसेज पूछा गया था, तो ये मैंने आपका डाल दिया एग्जैक्टली। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जो सीजीएल की टाइपिंग होती है और सीएचएसएल की टाइपिंग दोनों थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती, क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। जैसे सीएचएसएल में आपको 10 मिनट मिलते हैं, ठीक है, और सीजीएल में अलग टाइम मिलता है। जैसे कि एलडीसी जीएससी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगी, 10 मिनट के अंदर आपको 1750 करेक्टर्स टाइप करने होते हैं, ठीक है। तो लगभग आपकी 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है इसके अंदर, इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पैसेज मैंने डाल ही दिया, पिछले साल क्या पूछा गया था। पैसेज में आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा बड़ा पैसेज आया था, मतलब जो मिलना चाहिए था आपको, मतलब 10 मिनट के अंदर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए थी, मतलब 1750 का आना चाहिए था, लेकिन जो पैसेज आया था थोड़ा बड़ा आया था, तो 1750 वर्ड करेक्टर्स तक भी अगर आपने लिखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको मार्क्स दिए जाएंगे,
लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, थोड़ी ज्यादा की ही प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप CHSL की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग के साथ डाले वो CGL के हिसाब से डाले हैं, लेकिन CHSL में भी आपको 10 मिनट के अंदर कम से कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पर एग्जाम प्रेशर के कारण भी बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं। तो CHSL के लिए भी 1750 के नहीं डाला, 2000 का ही आपके एग्जाम में आया था। मैंने इतने ही लगभग करेक्टर्स के जो टाइपिंग के मॉड्यूल डाले हैं वो इतने ही हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अब स्किल टेस्ट क्या करें, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए जो स्पीड जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी सारी की सारी, ठीक है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए आपको वो सारी मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद ये CHSL के जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो डाली हुई है, ठीक है, परसेंटेज एरर का टाइपिंग ही होता है उसमें, कुछ एक्सेल पावर पॉइंट तो CHSL में होता नहीं है। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस लेसन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट वन। अब इसमें क्या करा है, देखो हर पैराग्राफ के बाद मैंने नंबर ऑफ करेक्टर काउंट्स लिखा हुआ है। होता क्या है, आपके एग्जाम में जब हम RTA से कॉपी मंगाते हैं तो हर लाइन के बाद लिखा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी था और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप 15 मिनट में लिख के जा रहे हो, तो लगभग आपको ओवरऑल कितना लिखना है, आपको लगभग इतना सा 1947 या फिर अगर बात करें यहाँ पे 2000 से 2100 के बीच में वर्ड्स लिखने होंगे, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्पीड बना के चलो। आपको ये तो है कि कम से कम इतना तो आप लिख ही लोगे, सारे के सारे 1259 तक तो लिख ही लोगे। तो हर पैराग्राफ के बाद डालने में अगर आप यहाँ पे कहीं स्टॉप हो रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ करेक्टर्स रह गए, ठीक है, तो इस तरह से सारी की सारी चीजें चल रही है। तो हर लाइन के बाद ना डाल के, वो टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो हमें पूरा तो लिखना ही है, मतलब CGL पेपर दे रहे हो 15 मिनट मिलेंगे आपको, 15 मिनट में ये पूरा का पूरा तो आपको खत्म करना ही है, बल्कि 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म करना है। CHSL दे रहे हो तो CHSL के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको ये कम से कम पूरा खत्म करना है, ठीक है, तो हमें पूरा खत्म करना है। तो मैं मानता हूं कि आप पूरी की पूरी टाइपिंग इतनी तो प्रैक्टिस करके जाओगे कम से कम। तो हर लाइन के ऊपर डाला नहीं मैंने, हर पैराग्राफ के बाद डाल दिया, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि टाइपिंग टेस्ट 2 स्टार्ट हो गया तो इसमें पैसेज में जो वर्ड्स हैं 2125, तो जनरली हमारे जो वर्ड्स हैं 1900 से 2200 के बीच में है, ठीक है, लगभग इतने ही आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग 2000 से 2100 के बीच में आते हैं, लगभग ज्यादातर 2000 से 2100 के बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट 2, टाइपिंग टेस्ट 3, ठीक है, और ये जो पैसेज हैं मैंने खुद नहीं लिखे हैं, ये अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं, अलग अलग जगहों से लिए हैं, ठीक है, तो सोर्स मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि कहाँ से लिए हैं, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ये वाला पैसेज है 2174 का है और इससे पहले वाला पैसेज आपका 2000 वर्ड्स का है, तो लगभग आप मान के चलो कि अगर 2174 का है तो आप मान के चलो आप यहाँ तक भी खत्म कर देते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो चल जाए, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, जिसमें अगर 1900 कुछ वर्ड जा रहे हैं तो आप एक दो लाइन स्टार्टिंग की दोबारा रिपीट कर लेना तो आपका हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे टोटल 29 मॉड्यूल्स मैंने डाले, अच्छी अच्छी स्टोरीज भी मिलेंगी, पढ़ने में मजा आएगा, टाइप करने में मजा आएगा आपको, और जैसा आपका एग्जाम होता है लगभग वैसा ही है, ठीक। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करो और अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ अगर CHSL की टाइपिंग देनी, क्योंकि लगभग एक महीने के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाएगी, अप्रैल के महीने में मोस्ट प्रोबेबली आपकी टाइपिंग हो जाएगी CHSL की, और CGL का तो रिजल्ट ही मई में आ रहा है, तो जून में कहीं जाकर टाइपिंग या CPT होगा, तो उसमें तो बहुत टाइम है। CHSL के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो, ठीक, और बस यही था। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले। अपने दोस्तों से ये PDF शेयर कर सकते हो तो कर देना, उनका भी फायदा हो जाएगा, उन्हें भी कुछ मिल जाएगा कंटेंट टाइप करने के लिए। प्रिंट निकाल के ही करना इसका टाइप, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या मिलेगी, एक हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है, उससे आपको देख के प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट निकाल के कीबोर्ड से टाइप करना तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। वरना आप क्या कर सकते हो, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हो, अभी सीख ही रहे हो, तो इस कंटेंट को देखो मैंने PDF इसलिए ही दिए जिससे कि आप ये कंटेंट कॉपी भी कर पाओ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आपको पता है इतने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, इसे कॉपी करा आपने और जो आपको सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंस्टॉल कर, उसके अंदर डाल दिया ये कंटेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन मिलता है ना कि हम अपनी तरफ से पैसेज ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर वो पैसेज डाल दिया और वहां पर जाके टाइप करके देख लिया, तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल है, राइट। तो 29 टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पे, तो आप इसका मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ और टाइपिंग में कम से कम फेल मत हो। CHSL में काफी लोग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी, टाइपिंग में बिल्कुल भी फेल नहीं होना, टाइपिंग फेल होने वाली चीज नहीं है, ठीक। जहाँ इतनी आगे तक आए हो तो टाइपिंग में तो फेल नहीं होना। और UFM के लिए काफी लोग बोल रहे हैं कि कुछ करो, देखो जब तक RTI की कॉपीज नहीं आएंगी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। RTI की कॉपी आएंगी पता चलेगा किसने क्या गलती करी है, अगर कुछ लगेगा तो मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकता। और बाकी मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कहूँगा तो SSC मेरी बात मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, तो हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो UFM के बारे में क्लियरली क्या होगा, CGL 2018 वाले भी सभी डरे हुए हैं, तो डरो मत। अभी लगभग 5-6 दिन के अंदर सबके SSC CHSL के RTA की कॉपी आ जाएंगी, पता चल जाएगा UFM किस वजह से हुआ है, क्या क्या गलतियां करी हैं, तो हम आगे के लिए भी उससे देख सकते हैं 2019 में ये गलती ना करें CHSL में और CGL में। तो सारी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं पता लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।